अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ रईब राशिद और मिली साहब को। दोस्तों मैं अभी कॉलेज आ रहा हूँ तो मैं आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों अभी भी मैं खा पी रहा था तो अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पर, तो चलो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। दोस्तों अभी मैं घर जा रहा हूँ और एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि एक जो आदमी है बुढ़ा 57 साल का, उसने एक पिग का जो हार्ट है वो ट्रांसप्लांट किया है, मतलब उसने अंदर डाला है। और ये जो था ना सर्जरी, ये बहुत लाइक सक्सेसफुल थी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग का एक हार्ट था जो कि उसको ज़िंदा रख रहा है। और ये जो है ये डॉक्टर्स के लिए तो कामयाबी है, लेकिन हकीकत में ये एक बहुत बड़ी हार है इंसानियत की। वो इसलिए क्योंकि आज इंसान जो है शैतान से हार गए, वो इसलिए क्योंकि जो शैतान है वो लोगों को जो है ऐसी ऐसी बातें डालता है और फिर लोग जो है ये तो प्रिपेयर भी कर रहे हैं कि मौत से कैसे बचना है। मौत का कोई क्योर नहीं है, कोई उसका जो है ना मौत से कोई बच नहीं सकता। अल्लाह ताला जब चाहे तो फिर वो अल्लाह ताला जब चाहे तो बंदों को मार सकते हैं। मौत का कोई क्योर नहीं है। तो आज हम ये देख रहे हैं कि कैसे कैसे इंसान जो है मौत से भी बचने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं। और ये एक बहुत
मुसलमानों के लिए तो ये बहुत ही लाइक एक शर्मनाक किस्म की न्यूज़ थी, क्योंकि वो पिग जिसका कुरान में 4 बार जिक्र हुआ है कि इसको खाना तो बहुत दूर की बात है, छूना भी नहीं है पिग को, तो ये बात जब ये न्यूज़ सुन के तो इंसान का दिमाग ही घूम जाता है कि पिग का हार्ट अंदर डाल के और जिंदा है। तो लाइक ऐसे ऐसे आज इंसान काम कर रहे हैं, देखो किस हद तक इंसानियत पहुँची है। तो इंसानियत ही हार है, शैतान तो जीत रहा है। कैसे कैसे शैतान ने हमें अपने चाल में फंसा लिया, लाइक ये उसका चाल है सारा, वो डालता है बातें इंसानों की, इंसान के दिमागों के अंदर। तो ये सब शैतान का प्लान था। और जैसी बात है, हम कुरान को फॉलो करते हैं और हमें पता है कि शैतान के चाल में नहीं फंसना, और ये ज़ाहिर है काफ़र है ये लोग और फंस भी गए। लेकिन ये सिर्फ इस्लाम में नहीं, ये यहूदी और ईसाई वाले भी पिको नहीं खाते, क्योंकि ये उनके मज़हब में भी हराम है। तो एक बहुत ही लाइक शॉकिंग न्यूज़ निकली है। तो चलो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। तो पता नहीं क्या रिकॉर्ड कर रहे, बड़े बड़े कैमरे लगाए हैं इन्होंने। ये दोस्तों लगता है ये इसलिए कैमरे बड़े बड़े लगाए हैं क्योंकि इनको ना जिनको ट्रैक करना है। चलो मैं आपसे बात करूँ। दोस्तों अभी मैं घर जा रहा हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि बहुत ही मतलब शॉकिंग किस्म की न्यूज़ निकली है कि एक बंदे ने पिग का जो जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग का जो हार्ट है वो अपने दिल में डाल दिया, और आज इंसानियत इस हद तक पहुँच गई कि मौत से भी बचने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मौत का इनको क्यामत तक कोई क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मौत का कोई क्यों नहीं, अल्लाह ताला जब भी चाहे तो वो इंसान को जो है ना मार दें और अपने पास बुला दें। तो दूसरी बात तो ये है कि इंसानियत आज शैतान के चंगुल में फंसी है, और ये तो सब शैतान का ही प्लान है। शैतान इंसान काफरों के जो काफर है वह हास कर देता इसका शिकार है। और हम तो कुरान पढ़ते, तो सोचो हम कुरान पढ़ के भी हम शैतान का शिकार हो जाते, तो सोचो ये कितने शिकार बन गए। ये तो टैटूस भी लगाते हैं और ऐसे ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि ये भी सब शैतान का ही काम है। तो आपसे मैं अगली ब्लॉग में मिलूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।